ये अध्यात्म चैनल के लिए शुभम सिनेमा कुछ प्रोग्राम्स ला रहा है, सीरियल्स जो पहली बार हो रहा है। अध्यात्म पर इससे पहले सीरियल्स नहीं आते थे, तो उन सीरियल्स का आज तीसरा एपिसोड जो है वो लॉन्च हो रहा है। 8 बजे तीसरा शो संगीत सफारी विद अनुप जलोटा आएगा। 28 से 2 हमारे शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, रंग रंगीलो बांके बिहारी और महिमा माँ जगदम्बे की। तो तीसरा शो हमारा जो इस कड़ी का है वो आज शुरू हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में हमने तीनों शो के हिसाब से प्रोग्राम एक रखा है। इसमें अनुप जलोटा जी होस्ट हैं और वो इसे आप म्यूजिकल टॉक शो कह सकते हैं, और इसमें म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो काफ़ी काबिल कलाकार हैं उनको इनवाइट किया जाएगा। अनूप जी उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके संगीत के बारे में, उनके जीवन के बारे में, अनछुए पहलुओं को वो जो है सबको बताएंगे। ये 8 बजे शनिवार और रविवार। ये हमारी एक टीम है, हमारी टीम है जो इसे बनाई है, और उसने बड़ी मेहनत से करीब 2 महीने का उसमें लगा, हमने विचार किया और एक पूरी टीम मिल करके इस प्रोग्राम को, पहले इस परिकल्पना को जो है बनाई गई कि ऐसा इस तरह से प्रोग्राम रचा जाए, और उसके बाद फिर उसको हम स्टेज पर इस तरह से स्टूट पर सेट पर लाए हैं और आपके सामने। नहीं, अभी ऐसा नहीं है, अभी तक जो प्लॉट किया गया है वो सारे एपिसोड्स अनूप जी ही होस्ट करेंगे, और उसके बाद का भी नहीं सोचा गया और ऐसा होगा भी नहीं, हर एपिसोड में होस्ट वही रहेंगे जी। हर तरह के लोग रहेंगे इसमें, पंडित जसराज भी आएंगे, पंकज उदास जी आ चुके हैं, उनका शो अभी नहीं आया है, संजीवनी आई हैं, तो नए पुराने सारे मिल करके आएंगे। ये म्यूजिकल टॉक शो है जिसमें हम खाली सिंगर्स को नहीं बुलाएंगे, कोई म्यूजिक कंपोजर है, गीतकार है, और अपने विधा का कोई माहिर है, कोई वायलिनिस्ट है बड़ा सा, तो अपने अपने क्षेत्र में जिसने भी म्यूजिक के क्षेत्र में किसी भी विधा में जिसने काम किया है उसे हम समय समय पर बुलाने की कोशिश करेंगे, और ये एक एंडलेस सीरीज़ होगी जो किन्हीं 2, 4, 10 या 15, 20 या 100 के साथ ख़त्म नहीं हो जाएगी, ये चलती रहेगी, हमारा ऐसा प्रयास है। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर उन्हें संगीत से प्यार है, भारतीय संस्कृति से प्यार है, भारत देश से प्यार है, तो इस प्रोग्राम को देखें, इस प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें भारतीय संगीत की पूरी जानकारी मिलेगी, और सबसे बड़ी चीज़ उनका मनोरंजन भी होगा, और ऐसे महान महान बड़े बड़े कलाकारों से उनका जो है साक्षात्कार होगा जिनके ज़रिए उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वेलकम। आज की पार्टी जो रखी गई है ये संगीत सफारी विद अनूप जलोटा, एक नया शो शुरू हुआ है अध्यात्म चैनल पर, और इस शो में हम कलाकारों को प्रस्तुत करेंगे जो संगीत से जुड़े हैं, कविता से जुड़े हैं, म्यूज़िक से जुड़े हैं, म्यूज़िक कंपोजिशन से जुड़े हैं, उनको हम बुलाएंगे, उनकी ज़िंदगी की बात करेंगे, कैसे उनको सफलता मिली वो बात करेंगे, और साथ ही साथ एक किसी नए कलाकार को पेश करेंगे इस कार्यक्रम में, और उसको हम इसलिए पेश करेंगे कि हमारा वही मकसद है इस प्रोग्राम का, हमारा मकसद केवल उसमें बड़े बड़े कलाकारों को प्रस्तुत कर देना नहीं है, नए कलाकारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है जो हम संगीत सफारी विद अनूप जलोटा के माध्यम से देना चाहते हैं, और वो हमने शुरू कर दिया आज से। इसमें सब नए आएंगे, पुराने आएंगे, सभी आएंगे, जितने लोग संगीत से जुड़े हैं सब आएंगे, और आप सबको सुनेंगे, आनंद लेंगे सबका। हाँ हाँ, इसमें जैसा मैंने कहा कि संगीत से जुड़े हुए सब आएंगे, जो म्यूजिशियंस हैं वो भी आएंगे, जो तबला प्लेयर हैं, जो गिटार प्लेयर हैं, जो अलग अलग किस्म के कलाकार, सब इसमें पेश होंगे, और उनके माध्यम से हम किसी नए कलाकार को भी प्रोत्साहित करेंगे। इस चैनल का नाम है अध्यात्म चैनल, नया चैनल है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से
आपको लगेगा कि कितना बड़ा काम हो रहा है। मुश्किलें बहुत आती हैं क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम बनाने में बहुत सी चीज़ें हैं, इतना बड़ा सेट बनता है, इतने सारे कलाकारों पर रिसर्च किया जाता है, उन पर हम ऑडियो विजुअल तैयार करते हैं, वो भी यहाँ दिखाएंगे, तो बहुत कुछ है। और वो सारा कुछ जो है दिखाने के लिए काम तो करना होता है, बहुत बड़ी टीम को काम करना होता है, और वो हो रहा है। हम तो गाना भी गाएंगे, इंटरव्यू भी लेंगे और हंसेंगे, हंसाएंगे भी, मज़े भी करेंगे। आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ज़रूर मैं आपको सुनाता हूँ दो लाइन। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। मैं यही कहना चाहूँगा कि संगीत सफारी विद अनूप जलोटा को ज़रूर देखिए और आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ हम जिन नए कलाकारों को प्रस्तुत कर रहे हैं उनको भी सुनिए, उनका उत्साह बढ़ाइए। इसमें बहुत से कलाकार आएंगे, 104 एपिसोड हम पेश करेंगे, तो 104 कलाकारों को भी पेश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मंच है, तैयार रहिए आनंद लेने के लिए। थैंक यू। आध्यात्म चैनल जो है उसमें एक संगीत सफारी विद अनु जलोटा ये प्रोग्राम है और पहला एपिसोड दिखाया गया है और उसी के सिलसिले में पार्टी रखा गया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम मैं देख रही थी और मैंने भी ये प्रोग्राम में भाग लिया है। बहुत अच्छा, इसमें एक बहुत सुंदर से अनु जी, और अनु जी तो इस सच ए ग्रेट सिंगर, प्लस वो इतना अच्छा बात करते हैं कि हमेशा उनके साथ कुछ करना मतलब कुछ सीखना होता है हमेशा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिस तरह से उन्होंने बात किया, इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा है। अनुप जी इज़ ए अमेजिंग पर्सन। अनुप जी मतलब तो भजन सम्राट है ही, लेकिन एज ए पर्सन ही इज़ सच ए ग्रेट ह्यूमन बींग। और एक चीज़ है उसमें, शांत जो है ना, कभी भी कोई भी चीज़ में वो अपना टेम्पर लूज़ नहीं करते, मैंने कभी नहीं देखा। हमेशा कोई भी स्थिति हो अनुप जी एकदम शांत शांति से बातचीत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोई भी परिस्थिति को अनुप जी हैंडल कर लेते हैं और प्रोग्राम में तो ही, मैं तो उनको कहती हूँ किंग ऑफ द प्रोग्राम। बहुत, क्योंकि इस प्रोग्राम से भजन और प्रवचन नहीं है, ये जो भजन का जो एक आध्यात्म जो चैनल है, इसमें संगीत के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग बातचीत, और इतना अच्छा लगता है, लगता है नहीं कि इंटरव्यू है, लगता है कि मैं ऐसे घर में बैठे बातचीत कर रही हूँ, बहुत अच्छा जी। बहुत अच्छा लगा अरुण जी, जिस तरह से पूछा और मैं याद कर रही थी, और
बस खो गई थी उस इसमें। मुझे पहले तो बताया गया कि ये स्क्रिप्ट है, आपको ऐसा ये सवाल पूछा जाएगा, तो मैंने पहले कह दिया कि मैं उस तरह से इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ बातचीत में, संगीत में तो ठीक है। तो मैंने अनु जी को कहा, अनु जी का कोई बात नहीं, हम लोग बैठ के गपशप करेंगे, गाना बजना करेंगे जैसे नॉर्मली घर में हम लोग करते हैं, ऐसे किया और कमाल हो गया। ये आध्यात्म चैनल है, मैं तो फिल्मों में ज़्यादातर गाती हूँ, लेकिन स्वदेश फिल्म में मेरा गाना है, ये भक्ति के ऊपर है, भजन है। पल पल है भारी वो भी पिता है आई, मुहे बजाने अब आओ रघुराई। नहीं, फुल मस्ती। ये आध्यात्म चैनल है, मतलब एक स्पिरिचुअल है, उसमें तो सब कुछ आता है। हम अब मैं मधुश्री आप सबको ये बताना चाहूँगी, आप लोग ज़रूर देखिए, ये इसमें एक अध्यात्म जो चैनल है, इसका नाम ही अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपको एक फुल एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा, फुल एंटरटेन मिलेगा आपको, बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा आपको, इंटरेस्टिंग बातें जो छोटे छोटे हमारे साथ ज़िंदगी में जो होता है, तो वो छोटी छोटी घटनाएँ बहुत अच्छा आप इंजॉय करेंगे, 100% इंजॉय करेंगे, ज़रूर देखिएगा।